नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और आप देख रहे हैं देश को आवाज देने वाला इकलौता और नंबर वन करंट अफेयर शो घंटी बजाओ, आपका अपना शो। और आज आपको पानी के लिए परिवार तोड़ने वाली सरकार की घंटी बजानी है। देश में पानी के लिए तड़पती जनता की समस्या को लेकर सरकारों की आंखों पर बंधी पट्टी खोलने के लिए आज एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा को 4 किलोमीटर तक 45 डिग्री पारे में तपती दोपहरिया में पैदल चलते देखेंगे आप। आज हम आपको बताएंगे कैसे पानी के कारण पति पत्नी के रिश्ते उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में टूटने लगे हैं। दिखाएंगे आपको कैसे पानी उधार लेने का सिस्टम चल पड़ा है जिसमें 3 घंटे के भीतर 2 गुना ब्याज भरना पड़ता है। और दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में कैसे पूरी और खीर का भोग देवी को चढ़ाकर भगवान के भरोसे पानी की समस्या का हल तलाशने की मजबूरी में जी रही है जनता। जानते हैं क्यों? क्योंकि योगी सरकार के मंत्री कहते हैं कि पानी की तो समस्या कहीं दिख नहीं रही भाई। इसीलिए जनता के लिए सोती सरकारों को जगाने का काम हम आपकी मदद से करना चाहते हैं। आज आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए, घंटी बजाइए और सरकार की आंखों पर, चेहरे पर कुछ पानी के छींटे मारिए जिससे उसकी आंख और कान खुल सके। इस कहानी में पानी है लेकिन जनता की जिंदगी में पानी की किल्लत रिश्ते तोड़ रही है। ससुराल वाले आए हमारे घर और उन्होंने हमसे कहा कि आप लोग इनको भेजिए और हम कहीं से पानी की व्यवस्था करेंगे। पानी की ये वो कहानी है जो लोगों को अपने ही गांव से परदेश भेजने को मजबूर कर रही है। पानी नहीं तो गांव छोड़ देंगे। तो जहां पर पानी होगा वहीं तो रहेंगे। बूंद बूंद की तड़प में जीने वालों की ये वो कहानी है जहां पानी 3 घंटे के लिए 2 गुना ब्याज पर उधार मिलता है। एक बाल्टी की पानी ले लिया तो हमको एक बाल्टी की वजह 2 बाल्टी देना पड़ता है। ये मत पूछिएगा कि फिर सरकार कहाँ है, क्योंकि ये कहानी थक हार कर पूरी खीर भगवान को चढ़ा पानी की उम्मीद रखने वालों की है। देवी की पूजा हो रही है, वह पानी बरसेगा, गांव का रक्षा करेगा। जगह नई दुनिया गांव बांदा। वक्त दोपहर के 1 बजे, तापमान 45 डिग्री सेल्सियस। इस तपती दोपहरी में जब आप घर दफ्तर में एसी कूलर की हवा के नीचे सुकून से बैठे रहते होंगे, तब बांदा के नई दुनिया गांव में 7 तरह की मटकी, टंकी, प्लास्टिक की बाल्टी और गैलन हाथ में लेकर रामकली को निकलना पड़ता है पानी भरने के लिए। रामकली की तरह घर से उषा निकलती हैं, पूर्णिमा भी, सुमित्रा, रजनी और कुसुम भी, हर घर की महिला, बच्चे या इक्का दुक्का पुरुष भी, क्योंकि ये गांव बूंद बूंद पानी के लिए तरसता है। बूंद बूंद पानी का क्या महत्व है और कैसे लोग उसके लिए संघर्ष करते हैं, इसको मैं समझाता हूं। अगर खुद मैं बुंदेलखंड के इस गांव का अगर एक व्यक्ति बन जाता हूं, खास तौर से तब किसी घर या परिवार की महिला, मैं इस घर में मान लीजिए रहती हूं, अगर मैं महिला हूं तो कैसे मेरी ज़िंदगी चलती होगी। घर में 3-4 बच्चे हैं, पति है मेरा, या तो वो मजदूर है या वो किसान है। सवेरे 4:30-5 बजे से मेरी दिनचर्या शुरू होती है। कैसे? ये एक बर्तन है पानी लाने के लिए, इसको मटका या गगड़ा जो भी कहें, मटका तो मिट्टी की होती है, इस तरह के 2 या 1 लेकर के मैं जाऊँगा। बगल में नदी है, केन नदी, और इस तरह दिन भर में करीब 3 से 4 घंटे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है घर की महिला के लिए, और पानी ले जाने में ही उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। कुछ उसके पास न उम्मीद होती है, न उत्साह होते हैं, न दुनिया होती है, न सपने होते हैं। बूंद बूंद पानी उसकी ज़िंदगी की नियति बन जाती है। इसीलिए संवाददाता पंकज झा ने भी तय किया कि आज बूंद बूंद पानी की जरूरत और परेशानी समझने के लिए बांदा के नई दुनिया गांव की इन महिलाओं और बच्चों के साथ वो भी पैदल चलेंगे 4 किलोमीटर तक। जी हां, 4 किलोमीटर तक। आप तो हजारों रुपए खर्च करके जिम में खुद को स्वस्थ रखने के लिए ट्रेडमिल पर कुछ किलोमीटर चलकर उसका स्टेटस सोशल मीडिया पर डालते होंगे, सेल्फी तो कई बार डाली ही होगी, लेकिन बुंदेलखंड के गांवों में महिलाओं को रोज दिन में यूं 4 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता है पानी भरने के लिए। 4 किलोमीटर दूर के इस रास्ते में जमीन तपती है। पानी के लिए पैदल चलते हुए 4 किलोमीटर के इस रास्ते में
कहीं चढ़ान आती है, कहीं ढलान आती है, लेकिन पानी का इंतजाम करने के लिए ये रुकावटें रोज दिन में 4 से 5 बार 4 किलोमीटर पैदल चलते हुए सहती हैं गांव की महिलाएं। गांव की महिलाएं जिनके साथ आज संवाददाता पंकज झा भी 4 किलोमीटर चलते रहे कैमरे में इनकी जिंदगी की मुश्किल को कैद करते हुए। मैं जब नदी के किनारे पहुंचा हूं तो सांसें मेरी फूलने लगी और ये एक बार यहां पहुंचने में मेरा ये हाल है, लेकिन इस इलाके के लोगों के लिए दिन भर में कई बार ऐसी ही सूरत हाल आती है। कोई 8 साल की बच्ची है और कोई 55 साल का बुजुर्ग, कोई बीमार भी है, कोई लाचार भी है, और कोई बस जिंदगी को आगे ढकेल कर यूं कह लें कि मौत को आगे ढकेल कर जिंदगी जीने का नज़रिया दो बूंद पानी कैसे सिखाता है वो इस इलाके के लोग जानते हैं। बांदा के नई दुनिया गांव की महिलाएं अब 4 किलोमीटर दूर बहने वाली इस केन नदी तक पहुंच चुकी हैं। यहां से पानी भरने का काम शुरू होता है। यही वो पानी है जिसे अब 4 किलोमीटर दूर फिर पैदल चलकर घर ले जाना होगा, पानी पीने के लिए, खाना बनाने के लिए और दूसरे कामों में इस्तेमाल करने के लिए। और पानी भरकर वापस लौटते नई दुनिया गांव वालों का दर्द संवाददाता पंकज झा ने समझना शुरू किया। जो महिलाएं पानी लेकर जा रही हैं उसी में पूर्णिमा से मुलाकात हुई हमारी। पूर्णिमा ने 8वीं तक पढ़ाई की थी। 8वीं तक पढ़ाई की थी आपने? 7वीं। उसके बाद पढ़ाई क्यों छोड़ दी आपने? हमारे पास काम करने के लिए नहीं थी कोई। अच्छा, ये गांव छोड़ने की बात क्यों कर रही हैं आप? पानी नहीं है ना यहाँ पर। पानी नहीं है तो गांव छोड़ देंगे? तो जहाँ पर पानी होगा वहीं तो रहेंगे, क्योंकि कोई हमारा सुन नहीं रहा, नल नहीं है यहाँ पे। आप ये कह रही हैं कि पानी की दिक्कत की वजह से आप नहीं चाहती हैं कि अपने गांव में रहें? पानी की दिक्कत से नहीं चाहते हैं कि हम गांव में रहेंगे। अच्छा, क्योंकि पानी वाले में इतनी परेशानी। तो आप कितने, ये तो आपका ससुराल होगा ना जहाँ आप रह रही हैं, आपके लिए कितने साल से हैं आप यहाँ? हम हैं 20 साल से। 20 साल और ज्यादा। तो मतलब जब से आप आई हैं अपने मायके से यही हाल है? पानी भी नहीं है पास में। यही हाल आए, यही हाल देखते हैं जब से आए हैं, यही हाल है। 20 साल से तो उत्तर प्रदेश में कितनी सरकारें आईं और गईं, लेकिन बुंदेलखंड के गांवों की किस्मत नहीं बदली है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में 7 जिले आते हैं, झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट, जहां 80% हैंडपंप गर्मी में काम करने बंद कर चुके हैं। इसीलिए महिलाओं को रोज औसत 25 किलोमीटर तो पैदल पानी के लिए ही चलना पड़ता है। लेकिन पानी के लिए बुंदेलखंड की परेशानी पर जब हमने उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह से सवाल किया तो इनका जवाब चौंकाने वाला मिला। देखिए, बुंदेलखंड का जहां आपने नाम लिया है, बुंदेलखंड में भौगोलिक परिस्थिति से वास्तव में शुष्क क्षेत्र है, वहां भी पानी की समस्या नहीं है। हमारा महोबा जनपद बुंदेलखंड में सबसे शुष्क रहता है 7 जिलों में, वहां हमने पानी का इंतजाम पूरा किया हुआ है। पानी का इंतजाम किया होता सरकार ने तो फिर गांव वाले यूं क्यों मजबूर होते पानी भरने के लिए एक बार में 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलने को। संवाददाता पंकज झा को रास्ते में एक जगह पर ढोल बजता हुआ दिखा। एक व्यक्ति पूड़ी तल रहा था, खीर बनाने की तैयारी थी, मिट्टी की मटकियां रखी थी, नारियल यहाँ दिखा। संवाददाता पंकज झा चौंक गए, आखिर यहाँ क्या हो रहा है? चाचा, ये सब क्या हो रहा है? यह पूजा हो रही है देवी की। अच्छा, क्यों देवी की पूजा? देवी की पूजा हो रही है, वह पानी बरसेगा, गांव का रक्षा करेगा, वो रोग दो को करेगा, गांव का पानी का ज्यादा प्रजोश करेगा। ये पूजा को क्या बोलते हैं आप लोग? आप बोलते खेरे की पूजा। अच्छा, हाँ, इस पूजा में क्या क्या कर रहे हैं आप? यह खेरे पूजा में बनेंगे रोट, खीर, पूजा भी चढ़ेगा, मंदिर में प्रसाद भी चढ़ेगा, मंदिर में प्रसाद चढ़ेगा, और वही यह खप्पर भरा जाएगा, ये वाला यह कच्चा खप्पर भरा जाएगा, इसमें और सामान सब पूरा सामान जब देवी का श्रृंगार करा जाएगा इसमें। हाँ,
फिर भर के और फिर जाके वहाँ पूजा पूजा करेंगे इसको, इसमें भी एक जी इसमें चढ़ेगा। पूजा करने से सब ठीक हो जाता है, सब भगवान छार करते हैं देवी। जब सरकारें फेल हो गई जनता को पानी देने में तो भगवान भरोसे हो जाता है आम आदमी। दिन में 4-4 किलोमीटर का सफर 4 से 5 बार तय करके जब पानी लाया जाता है तो उसे घर में यूं सहेज कर रखा जाता है। लेकिन अचानक घर में पानी खत्म हो जाए तो क्या होता है? संवाददाता पंकज झा को नई दुनिया गांव के इस घर में चौंकाने वाली बात पता चली। आमतौर पर यह होता है कि उधार में पैसा मिलता है, लोग अनाज भी देते हैं, सूद पे भी होता है, पैसा मिलता है, अनाज भी होता है, और यहाँ उधार में पानी भी लोग लाते ले जाते हैं और सूद पे भी मिलता है। तो लाल ये क्या है, मतलब समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे ये है कि जैसे सुबह ठंडे में शाम सुबह तो पानी आ जाता है, अब जैसे किसी का दोपहर में पानी ख़त्म हो गया तो यहीं नदी दूर पड़ती है तो नदी न जाने के कारण यहीं जैसे एक बाल्टी किसी से पानी ले लिया तो हमको एक बाल्टी की वजह 2 बाल्टी देना पड़ता है। मतलब शाम को ठंडे में जाएंगे तो 1 बाल्टी पानी लेंगे तो उसको 2 बाल्टी पानी देंगे, इस प्रकार से पानी यहीं घर से। मतलब आपका दोपहर में पानी कम हो गया तो कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं, धूप में कहाँ जाएंगे? जैसे इस वक्त तो कोई नहीं जा सकता नदी पर, तो आप पड़ोसी से या इन्हीं से मांग लिया आपने पानी? पड़ोसी से दूसरे घर से अगर एक बाल्टी पानी लेते हैं तो उसको शाम में 2 बाल्टी देते हैं। ब्याज में मिलता है? ब्याज में यानी 65 रुपए मिलता है, यहाँ पानी भी ब्याज में मिलता है हमारे यहाँ। पानी जब 2-3 घंटे के लिए उधार लेने पर 2 गुना ब्याज चुकाना पड़ जाए तो समझिए इस परेशानी को। लेकिन सरकारों को कहाँ चिंता है, तभी तो आपको आगे दिखाएंगे कैसे बुंदेलखंड में पानी की कमी ने संतू के घर में उथल पुथल मचा दी, कैसे पानी की कमी के कारण भोली की भाभी को बीच बचाव करना पड़ा, कैसे बुंदेलखंड में पानी की कमी लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बना रही है। संवाददाता पंकज झा की पानी से जुड़ी संवेदनशील रिपोर्ट का अहम हिस्सा आपको देखना बेहद जरूरी है। देखिए साहब, देश और दुनिया में जल संकट के खतरे को बताती हुई रिपोर्ट कई बार हमने आपको दिखाई है और बताया है कि कैसे पानी की परेशानी देश और दुनिया के लिए, दुनिया की महिलाओं के लिए बड़ी आपदा बनती जा रही है। दुनिया में पैदा हो रहे ऐसे ही जल संकट के कारण पूरी दुनिया की महिलाएं पानी लाने के लिए रोज कुल मिलाकर 20 करोड़ घंटे की मेहनत करती हैं। 20 करोड़ घंटे, और अगर 20 करोड़ घंटे को साल में बदल दिया जाए तो तकरीबन 23,000 साल के बराबर हो जाएगा यह आंकड़ा। यानी दुनिया भर की महिलाएं सिर्फ पीने का पानी हासिल करने के लिए 23,000 साल के बराबर रोज मेहनत करती हैं। हिसाब लगाएं तो यह भी कह सकते हैं कि जो महिला पाषाण युग में पानी भरने निकली थी वो 2018 में वापस लौट कर आ पाती। हमने जानकारी जुटाई तो पता चला कि बुंदेलखंड में आने वाले झांसी के 3 गांव में तो पानी की कमी के कारण परीक्षा दीमारपुरा गणेशपुरा गांव के 80% युवाओं की शादी तक नहीं हो पा रही है। पानी के कारण रिश्तों में आती परेशानी की ऐसी कहानी संवाददाता पंकज झा को भी यह रिपोर्ट कवर करने के दौरान दिखाई दी। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में आने वाले महोबा जिले के मुढ़ारी गांव में पानी के लिए परेशान लोगों के लिए कई दिनों बाद ग्राम पंचायत की तरफ से पानी का टैंकर पहुंच रहा है, और टैंकर पहुंचते ही भाई भाई की तरह रहने वाले गांव वाले भाईचारा भूल गए अपना अपना पानी का पाइप टैंकर में पहले डालकर ड्रम भरने के लिए जूझने लगे। पानी की तड़प रिश्तों पर कैसे भारी पड़ जाती है, इसकी कहानी देखने के लिए अब आप वापस बुंदेलखंड में बांदा के छीछन गांव चलिए, जहां ये घर है। घर के मुखिया संतू हैं, संतू की माँ है, संतू के बच्चे हैं, लेकिन संतू की पत्नी नहीं। पानी की कमी ने इस घर की खुशियों में आग लगा दी है। पानी बिन सब सुन, बुंदेलखंड के कई गांवों में कुछ ऐसे ही हालात हैं। रिश्ते बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, और रिश्तों को एक नई कहानी मिल रही है जिसको सुनकर आपको थोड़ा अजीब तो लगेगा लेकिन सच। संतु उसी कहानी के एक पात्र है। संतु क्या हुआ, पानी की बहुत दिक्कत है? पानी की बाबूजी बहुत दिक्कत है। तो पत्नी चली गई कमला, आप नहीं मनाए उनको, रोके नहीं? अब जो पानी वानी की व्यवस्था होगी सब आएंगे जाएंगे मनाएंगे कहेंगे।
तो इतना बड़ा परिवार है आपका, बाल बच्चा कैसे संभालते हैं सब? हम सब कुछ नहीं करें तो अब आप कर रहे हैं, दिक्कत तो भाई है बाबू जी। क्या बोल के चली गएंगे? यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, हम क्या करेंगे? अपना देखो सुनो, हम जा रहे हैं जहाँ हमको पानी पीना मिलेगा। संतु की तरह इसी गांव के प्रदीप शुक्ल की पत्नी भोली भी पानी की मुश्किल के कारण घर छोड़कर मायके चली गई थी। किसी तरह मायके में अपनी भाभी के समझाने बुझाने पर लौटी हैं। हमारी नंद है, वो हमारे घर में ही रहती थी, फिर उनके ससुराल वाले आए हमारे घर और उन्होंने हमसे कहा कि आप लोग इनको भेजिए और हम कहीं से पानी की व्यवस्था करेंगे। इसकी वजह से हम लोग उनको वहाँ भेज दिए। पानी की कमी रिश्ते तोड़ रही है, बच्चों को माँ से अलग कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में ही 2113 तालाब में से 1076 सूख चुके हैं, 33137 हैंडपंप में से 21239 ने काम करना बंद कर दिया है और जो हैंडपंप चल रहे हैं उनसे पानी निकलता नहीं, सिर्फ चूता है। इस गांव के लोग पीने, नहाने और घर के दूसरे काम के लिए पानी का इंतजाम कैसे करते हैं, इसके रियलिटी चेक करने के लिए हम इस हैंडपंप पर पहुंचे। ये एक सहारा है इकलौता इनके लिए। और इस रफ्तार से, जिस रफ्तार से सामने देखिए कि पानी निकल रहा है, अब जाके निकलना शुरू होगा। इस रफ्तार से एक छोटी सी बाल्टी को भरने में कम 4 से 5 मिनट लगते हैं। और अभी जिस वक्त अभी भी धूप है, गांव के इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों को पानी भरना है और एक बाल्टी में अगर इतना वक्त लगता है तो सोचिए कि वो क्या हालात रहते होंगे जब लोग यहां लाइन में लगे रहते हैं पीने के पानी के इंतज़ाम के लिए। पानी पर यही किल्लत लोगों को घर छोड़ने के लिए भी मजबूर कर रही है। लोग अपना घर बंद करके बारिश तक दूसरी जगहों पर रहने चले गए। लोग पलायन कर रहे हैं। ये हैं उपाध्याय जी हैं जो अपने बहन के यहाँ चले गए और बरसात होगी तो वापस आएंगे और अपने जानवर सब लेके अपना पलायन कर चुके हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री से पूछिए कि मंत्री जी आप कुछ करते क्यों नहीं, तो वो कहते हैं दिक्कत कहाँ है, सब तो ठीक है। पानी की कोई समस्या नहीं है, बांदा में जो समस्या है उसका भी निराकरण कर दिया गया। कहीं इस उत्तर प्रदेश में अब हमारे दो क्षेत्र ऐसे, एक विंध्याचल क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र, यहाँ पानी की समस्या नहीं। सरकारों ने निराकरण कागज पर तो कर ही दिया है, तभी तो देखिए ऐसे सैकड़ों तालाब सरकारी सिस्टम ने खुदवाए बुंदेलखंड में। बताया कि ये तालाब भूजल को रिचार्ज करेंगे, लेकिन खुद ही ये तालाब सूख रहे हैं। स्थानीय समाज सेवी राजा भैया सरकारी योजना की पोल खोलते हैं। इसमें लगभग 19 लाख रुपए लगा करके ये मॉडल तालाब बनाया गया है। ये बनाया इसलिए गया है कि लोगों को पर्याप्त पानी मिलता रहे। उसके लिए लोगों के लिए अलग, महिलाओं पुरुषों के लिए घाट बनाया गया है, इसमें काफ़ी पैसा खर्च किया गया है। पशुओं के पानी पीने के लिए वो अलग से घाट बनाया गया है। ये रिचार्जिंग बेल बनाया गया है लगभग 50,000 रुपए खर्च करके, और इस तरह से लगभग 19 लाख रुपया खर्च कर दिया गया है। और इसमें कहीं बूंद पानी नहीं है, वो पानी आने के लिए वो बनाया गया है। तो पैसा खर्च कर दिया गया है लेकिन पानी का कोई प्रबंध नहीं है। दरअसल दावा है कि सरकारों ने तालाब तो खुदवा दिए, लेकिन कहां पानी रुकेगा, कहां पानी बचेगा, ये सब जाने और परखे बिना। इसीलिए बुंदेलखंड में अब पानी उधार में ब्याज पर मिलने लगा, लोगों के रिश्ते टूटने लगे, महिलाएं आधा दिन पानी भरने के लिए पैदल चलने को मजबूर हुई और भगवान भरोसे पानी का इंतजार होने लगा। इसीलिए आज एबीपी न्यूज की राय है, जब तक पानी का कोई स्थायी समाधान जनता के लिए नहीं खोज लिया जाता, तब तक टैंकर और दूसरे साधनों से पानी की व्यवस्था सरकार को तुरंत करनी चाहिए। इसके बाद जवाबदेही तय करते हुए तय वक्त में बुंदेलखंड में पानी की दिक्कत दूर करने की योजना पर काम किया जाए। आप इस राय से सहमत हैं?
तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आवाज उठाइए। कल हमने देश में 10,432 मेडिकल सीट पर दाखिला रोकने वाले सिस्टम की घंटी बजाई थी, आज उस पर दर्शकों की राय सुनिए। डॉक्टरों की कमी के कारण बहुत से सरकारी मेडिकल आपातकालीन स्थिति से गुजर रहे हैं, जो किसी भी समय बंद हो सकते हैं। जबकि आज के समय में नई नई बीमारियां निकलकर सामने आ रही हैं और डॉक्टरों की घटती संख्या भारत को संकट में डाल सकती है। तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करूंगा कि इस सीटों पर जो रोक लगाई है इसको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, ध्यान देना चाहिए। और इस तरह से आप 82 कॉलेज एक साल में डिवाइड नहीं कर सकते। सरकार को उन कॉलेजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो सरकारी मापदंड पूरे नहीं कर रहे हैं, उनकी प्रक्रिया पर रोक लगानी चाहिए। 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आप भी हमें अपना वीडियो संदेश भेज सकते हैं। ये है ABP News, आपको रखे आगे।